नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट गूगल स्लाइड इनटू इमेज। गूगल स्लाइड को इमेज लाइक जैसे जेपीजी और पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करें, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास गूगल स्लाइड है और इस गूगल स्लाइड को अगर पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना होता है तो हम लोग यहाँ पे जाके डाउनलोड और उसको पीडीएफ फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे नीड है कि जैसे ये स्लाइड है मेरे पास, इस स्लाइड को मुझे एक इमेज के तौर पे डाउनलोड करना है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे जो भी स्लाइड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले, जैसे यहाँ पे है या ये पे, ठीक है। फिर इस पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे डाउनलोड जाके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जेपीजी और पीएनजी। मान लो अगर मुझे जेपीजी इसको डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा ये वाली स्लाइड क्या होगा, इमेज के तौर पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से फिर ओपन कर सकता हूँ फाइल को, तो ये पूरा स्लाइड मेरे पास क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इमेज के तौर पे मेरे पास ये इमेज डाउनलोड होकर आ गई और इसको मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। अब इसमें अगर इसका रेजुलेशन आपको चेंज करना है और कुछ बदलाव करने हैं तो आप यहाँ से पेज सेटअप में जाके और इसका जो यहाँ पर रेशो है उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम में जाके यहाँ से इंचेज की जगह पिक्सल करके और अपना स्क्रीन के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजुलेशन आप सेट करके उस पर अप्लाई कर देंगे तो इसका ये स्लाइड का चेंज हो जाएगा और फिर आप उसको डाउनलोड करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी सेट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लोग एक जो गूगल स्लाइड हैं उन स्लाइड्स को जेपीजी और पीएनजी के फॉर्मेट में हम डाउनलोड कर सकते हैं गूगल स्लाइड से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।